तो दोस्तों आज वीडियो में अपन बनाएंगे गेयर बॉक्स कैसे निकालने का। जेरोक्स 5775 55 मॉडल का गेयर बॉक्स जो है वो कैसे खुलने का वो आपको आज दिखाता हूँ। ठीक है करीम, ये देखिए वेस्ट ओनर का कवर है। पहले ये वेस्ट ओनर बाहर निकालने का, ठीक है, डब्बा। उसके बाद में इसका एक स्क्रू इधर है पीछे का कवर का, एक स्क्रू खुलने का, एक स्क्रू इधर रहेगा वो खुलने का। ठीक है, ये दोनों स्क्रू खुल दिए मैंने। ये ऐसा पत्रा बाहर निकालने का, ठीक है, पत्रा बाहर निकल गया। उसके बाद में ये जो वेस्ट टोनर कवर है इसका इधर एक लॉक रहता है यहाँ पे, यहाँ से बता, ये देखिए ये एक लॉक है। ठीक है, लॉक को दबाने का ऐसा बाहर आ जाएगा, ये वेस्ट ऑनर डब्बा बाहर आ जाएगा, फिर इधर से ऐसा दबाने का ये कवर बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसको ऐसा निकल देने का। ओके, उसके बाद में एक स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पे, ये पावर सप्लाई का स्क्रू है, ये एक स्क्रू खुलने का। ठीक है, एक स्क्रू खुलेंगे, ये स्क्रू बाहर आ गया। उसके बाद में ये इधर अर्थिंग है, इधर अर्थिंग है, अर्थिंग का इधर लगा हुआ रहेगा, वो नट बोल लगा रहेगा, वो खुलने का, ये अर्थिंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये डीसी का सब जितना भी कनेक्शन है सब हटा देने का, ये मैंने हटा के रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये सब हटा देने का। ठीक है, ये दो रेन देने का, ये रेन देने का, ये सब हटा देने का। ठीक है, ये हटा के इसको ऐसा प्रेस करने का, ये प्रेस किया बाहर आ गया। उसके बाद में अब ले, उसके बाद में ये एक दो तीन चार और एक ये पांच कनेक्शन है, ऐसा दबाने का, ऐसा लॉक रहता है, ये लॉक दबाने का तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये लॉक लगा हुआ है ना, ये लॉक दबाने का ये सब बाहर आ जाएगा। इसके बाद में ये डब्बा पूरा आ गया बाहर। ठीक है, डब्बा बाहर यहाँ पे रख देने का, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, इसके बाद में एक स्क्रू ये खुलने का। ओके, इसके बाद में दो स्क्रू यहाँ खुलने का, ये फिल्टर है, ये फिल्टर का दो स्क्रू खुलने का। ठीक है, एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, इसको ऐसे 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 करके ऐसे बाहर निकलने का, ये पूरा बाहर आ जाएगा फिल्टर है। ठीक है, इसके बाद में एक स्क्रू ये इसका इसका ये वाइट लगा हुआ रहेगा सेंसर है, इसका स्क्रू खुल देने का, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक स्क्रू यहाँ है, ये स्क्रू मैंने एक खुल दिया, ये दूसरा स्क्रू यहाँ पे है। ठीक है, ये भी मैंने खुल दिया, ये एक तीसरा स्क्रू यहाँ पे है, ये भी मैंने खुल दिया। इसके बाद में एक यहाँ पे है चौथा स्क्रू। ठीक है, ये भी खुल दिया, एक यहाँ पे है खुला हुआ है, ये पांचवा, ये एक छठा स्क्रू यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये छठा स्क्रू खुल गया। इसके बाद में और एक है इधर, सातवा स्क्रू है, ये सातवा स्क्रू मोटर के बीच में से रहता है, ये खुलने का, फिर इसको ऐसा वायरिंग ऐसा दबा देने का इधर, और इसका इधर क्लिप लगा रहता है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा वायरिंग दबा रहेगा, क्लिप लगा रहेगा प्लास्टिक का, हटा देने का। और एक ये कनेक्शन है दो पिन का, ये दो पिन का ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, ये दो पिन का कनेक्शन है, स्विच है, ये निकल देने का। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं, बस ऐसे ही खींचने का, ये गेयर बॉक्स पूरा बाहर आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गेयर सब दिया हुआ है, ये हीटर का गेयर है। ठीक है, ये डीपी का गेयर है, ये रजिस्ट्रेशन क्लच का गेयर है, ये सब खुलने के लिए इधर क्लिप दिया हुआ है, सीलोक पकड़ है, सीलोक पकड़ से सीलोक पकड़ खुलने का सबका, ये गेयर पूरा बाहर आ जाएगा, सब गेयर जो जो गेयर निकलना है सब बाहर आ जाएगा। फिर आप बदली करना है, साफ करना है, कैसे करना है पूरा उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिटिंग के लिए ये देखिए, ये अपन काम सब कर दिया, इसके बाद में फिट इसको ऐसे ही करने का, ये देखिए फिटिंग का,
उसे डिप्पी फिक्सिंग सब हटा देने का पहला, बाद में फिट अच्छा होएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः और सात स्क्रू लगा देने का, ये फिट हो जाएगा। ठीक है, ये फिटिंग हो गया, देखो। ठीक है, ये सब स्क्रू लगा देने का, ये गियर बॉक्स फिट हो जाएगा। ये अभी लगा देते हैं अपन। एक स्क्रू हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक इधर हो गया। ये देखिए, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। ऐसा सात स्क्रू रहेगा गियर बॉक्स का, वो सातों स्क्रू खुलने का और फिट करने के टाइम में फिटिंग कर देने का। ठीक है, एक यहाँ पे है, फिर ये सेंसर दिया है, इस सेंसर को ऐसे फिट कर देने का। ठीक है, ये एक इधर भी दिया है स्क्रू का। ठीक है, टोटल सात स्क्रू है और सातों स्क्रू खुल के फिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये पावर सप्लाई है, इसको ऐसे रखने का, ये वायरिंग ऐसे ऊपर करने का। उसके बाद में यहाँ पे सब उसका कनेक्शन दिया हुआ है, पहला अलग ही कनेक्शन है इसका पावर सप्लाई का। ठीक है, ये सब फिट करने का। बाकी सब ऊपर आएगा, ये सब इधर लगेगा। ये बड़ा कनेक्शन है इसका, ये भी इधर लगेगा। फिर ये भी कनेक्शन इधर लगेगा। टोटल एक दो तीन चार पाँच, पांच कनेक्शन है वो सब लगाने का। फिर इसको पावर सप्लाई को ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे ही। देखो, ऐसे ही मैंने लगा दिया, ये सब वायरिंग पहले आपको हटा देने का, तभी वो लगेगा। ठीक है, लग गया। इसके बाद में एक स्क्रू है, स्क्रू यहाँ पे फिटिंग कर देने का, पावर सप्लाई का स्क्रू है। ठीक है, और ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग यहाँ पे लगा देने का। ठीक है, ये स्क्रू लगा दिया, ये सब कनेक्शन डाल देने का आपको। ठीक है, कनेक्शन डालने के बाद में ये फिल्टर ऐसे फिट हो जाएगा। फिल्टर फिट हो गया, इसका दो स्क्रू है, दो स्क्रू लगा देने का। स्क्रू अर्थिंग जो है ना, ये ऐसे लगा के इसको नट बोल रहते हैं, नट बोल लगा देने का। ठीक है, अर्थिंग का, दो अर्थिंग का रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, बाद में इसका ये दो स्क्रू लगा देने का, यहाँ पे एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये दो स्क्रू डाल देने का, बस हो गया फिटिंग। एक वेस्ट टोनर लगा रहा हूँ, ये देखिए। फिर इसको वेस्ट टोनर का ये जो कवर है ना प्लास्टिक का, ऐसे अंदर डालने का पहले। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद में ये ऐसा यहाँ से यहाँ ऐसा ले लेने का। ठीक है, यानी ऊपर ले, ये देखिए, ये लॉक सिस्टम है पूरा, ये लॉक होल टू होल मैच करने का, और ये ऐसा लगा देने का। ये देखिए, ये फिट हो गया। ठीक है, और ये डब्बा है वेस्ट टोनर का, ये वेस्ट टोनर का डब्बा है, इसे डाल देने का, ये फिट हो गया। बस इसका पीछे का कवर लगा दो, खत्म। बस इधर एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू है, बस खत्म, बंद बंद।